السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مؤسس حاتمين अल्लाह की शरीयत की जहाँ पर पाबंदी हो वहाँ अल्लाह ताली अपनी रहमतें बरकतें नाजिल किया करते हैं عليهم بركات बरक़ात السماء इब्लर्ज अगर ये गाँव वाले ईमान ला लेते तकवा इख्तियार करते तो हम आसमान और ज़मीनों की बरकतों के दरवाज़े इन पर खोल देते वलोअम तौरात वन्जी उमाजिल रबल उमिन फ़ोक ममिन तहतम अगर ये अहल किताब तौरा तोजील की और जो कुछ उन पर नाजिल किया गया उसकी पाबंदी कर लेते तो इनको अल्लाह तड़ा नवाज़ता हर जगह से इनको खिलता पिलाता लक़ल उमिन फ़ोक ममिन तहतार जुलिम यह अल्लाह ताली की सुन्नत है और जब अल्लाह की शरीयत की नाफ़रमानी की जाए तो अल्लाह ताला आज़माइशों में भी डाल देता है يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ जक्खरून क्या इन लोगों ने नहीं देखा कि देखते नहीं हैं कि हर साल एक दो मरतबा इन पर आजमाइशें आफ़तें आया करती हैं आती रहती हैं अभी लोग ऐसे हो गए हैं कि ना तोबा करते हैं न उन आज़माइशों से नसीहतें लेते हैं मुज सहागरीन ये जो आजमाइशें उम्मतों पर मुल्कों पर अशास पर ख़ानदानों पर जो आती हैं ये इंसान के अपने करतूत शरीत की नाफ़रमानी अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम आम तौर पर यही सबब हैं जिसकी वजह से आजमायशें मुसलसल आती होती हैं और जब कोई कौम शरीयत के हदूद से आगे बढ़ने लगे तो अल्लाह ताला उस तम को मख्तल तरीक़ों से मुख्तल नाहियों से आज़माते हैं कौम फ्र ने जब अल्लाह की नाफरमानी की मूँ सलतु वसलाम की दावत को ठुकराया तो फरमाया अल्लाह ताला ने जराद फ़ारसम तूफ़ानवल जवराफ़ाद अउदम आयात मुफसलत कि हमने आजमाइ के तौर पर उन पर तूफ़ान भेज दिए टिड्डियों के हमले उन पर हुए उन पर जुएँ डाल दी गई मेंढकों का गाब उनको आया खून का गाब इससे वो दो चार हुए यानी मुफसरीन लिखते हैं कि मुख्तलिफ अजाब जो अल्लाह ताला ने उन लोगों पर भेजे उनको समझाने के लिए बताने के लिए अपने रब की तरफ लौटाने के लिए फस्तख बरू बजाय इसके कि वो लौटे नसीहत हासिल था, करे तकबर करने लगे वकान मुजरिमीन, मुजरिम कौम थे वो अजाब ऐसे आए कि टिड्डियाँ आई उन्होंने उनके पूरे खेत साफ कर दिए मेंढक इतने भर गए कि वो बात करते कुछ कहते तो मेंढक उछल करके उनके मुंह में चले जाते उनका जीना दो भर हो गया था और पानी के बजाय उनको खून मैसर होता था तो मुख्तलिफ अजाबात मुख्तलिफ़ आजमाइशें अल्लाह मुख्तलिफ कौमों पर लाई हैं तो मज़ादरी ये जो कोरोना का मसला है जो कोविड नाइन्टीन की जो वबा और बला फैली हुई है इसके मुख्तलिफ वजूहत होंगे लेकिन एक पहलू जिसकी तरफ़ हमें नज़र डालनी चाहिए जिसके ताल्लुक़ से हमें सोचना भी चाहिए हम ये दावा तो नहीं कर सकती है कि अल्लाह की तरफ से अजाब है या अल्लाह की तरफ से पकड़ है लेकिन इसका इनकार भी नहीं किया जा सकता कि अल्लाह की तरफ से पकड़ ना हो अल्लाह की तरफ से अजाब ना हो मज़ाद्रीन आप देखेंगे कि पिछली कौमों पर जो मुख्तलिफ अज़ाब आए उनकी अपनी मकदूरात के अतबार से जितनी उनकी तरक्की थी जितनी उनकी पहुंच थी उसी में अल्लाह ने उनको आजमाया और आज साइंस ने काफ़ी तरक्की की है बारीक बारीक चीज़ों का इल्म लोगों को होने लगा है बारीक बारीक चीज़ें लोगों लोग पहचानने लगे हैं मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की की है तो उसी तरक्की के एतबार से आजकल के आप इस आजमाइश को देखें जो कि अल्लाह की तरफ से एक बड़ी पकड़ भी हो सकती है कोरोना, ये जो एक वायरस है ये आम आंखों से दिखाई नहीं देता बल्कि बहुत ही ज़्यादा बारीक है ये एक नहीं बल्कि ऐसी बहुत सी बीमारियां, खून के अंदर मुख्तलिफ जरासीम हैं वाइट सेल्स हों रेड सेल्स हों प्लेटलेट्स हों एक खून के कतरे के अंदर हजारों लाखों की तदाद में पाए जाने वाले यह जरासीम इसकी कमी या ज्यादती इंसान की तबीयत को इंसान की तबीयत को ऊंचनी इसमें अब कर देती है तो जैसी तरक्की वैसी अल्लाह ताला की पकड़ जैसी तरक्की वैसी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशेंद्रीन ताउन के ताल्लुक से क्या है नबी करीम की हदीस है बुखारी मुस्लिम की हदीफ कि किऊन ये एक अजाब था जो अल्लाह ताला ने बनो इसराइल पे नाजिल किया था ये प्लेग की बीमारी एक अजब थी जो अल्लाह ताला ने बनो इसराइल पे नाजिल की थी तो इस अतबार से आन मुमकिन है कि ये कोरोना हो या इस जैसी मुख्तलफ़ बीमारियां हो या बिलखसूस वबाएँ जो फैल जाती हैं माशरे में मुमकिन है कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई पकड़ हो अल्लाह ताला की तरफ से कोई तंबी हो अल्लाह ताला लोगों को तंझोड़ना चाहता हो लोगों को जगाना चाहता हो कि वो अपने आमाल की तरफ तवज्जो करें, अपना मुहासबा करें अपने आप को चेक करें अपना मुहासबा करके अपने आप को सुधारने की कोशिश करें अब रजी अल्लाह फरमाते हैं तो हत्या शीम ती अफी अबिन तदीस अल्लाह के नबी से नकल की है जिसको कि इमाम इबन माजा रही ने जिक्र किया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस कौम में नंगापन आम हो जाए नंगापन खुले तौर पर लोगों में फैलने लगे नंगापन बहुत ज़्यादा रिवाज पा जाए तो ऐसी कॉमों में ऐसी ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो उनके माँ बाप में कभी न थी उनके बाप दादा की जिंदगियों ने कभी न देखी हों मजा सदरीन इस नंगेपन को आप देखें कि कितने अफसोस की बात है कि गैर मुस्लिम माशरा तो दूर की बात खुद मुस्लिम माशरे में इतना नंगापन आम हो चुका है बेहयाई इतनी फैल चुकी है बेपर्दगी इतनी आम हो चुकी है कि बड़े अफसोस के साथ अपने अपने मोबाइलों में अकेलेपन में जो गुनाहों के काम किए जाते हैं ये बेहिसाब हैं और इन टीवीओं में या कंप्यूटर्स के जरिए सोशल मीडिया के जरिए माँ बाप बच्चे मिलकर बैठ करके जो बुराइयां जो नंगापन जो बेपर्दगी खुले तौर पर देखते हैं बड़े अफसोस के साथ मुस्लिम माशरे का एक आम कल्चर बन चुका है और जिस लिबास को वो अपने इन सीरियल्स में देखें वही लिबास पहन करके रोडों पे नजर आते हैं अल्लाह का नाम लेने वालियां इस्लामी नाम रखने वालियां जब ये गंदगी आम होगी तो नबी करीमरेसरा तो सलाम ने फरमाया कि यकी ऐसी ऐसी बीमारियाँ फैलेंगी जो माँ बाप के बाप दादा के ज़माने में कभी न थी तो मजह इस कोरोना को इस एबार से भी देखने की जरूरत है इस कोविड नाइनटीन की वबा को इस एतबार से भी समझने की जरूरत है कि कहीं अल्लाह की पकड़ तो नहीं और जब ताउन आया नबी क़रीम करीमत तो वसलाम ने ताउन के ताल्लुक से कहा कि देखो ये अजाब है काफिरों पर बनो इसराइल पर अजाब बना करके भेजा गया और जब यही ताउन किसी नेक मुसलमान को लग जाए तो अल्लाह के नबी आल ने उसके तल्क से रहमत की दुआएं की कि वो उसके हक़ हाँ में शहादत का सबब बन सकता है शहादत का ज़रिया बन सकता है जबकि वही तान दूसरों के हक़ हाँ में अज़ाब होगा तो मज़ा सहादरीन ये जो बीमारी फैली हुई है इस बीमारियों को गाली मत दें बुरा भला न कहें क्योंकि जो भी बीमारियां फैलती हैं ये इंसान के अपने गुनाहों से होता है इंसान की नाफरमानियों की वजह से होती हैं, और बगैर अल्लाह की इजाजत के कोई चीज अपनी जगह से हिलती नहीं है एक छोटा सा वायरस भी क्यों ना हो अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी एक से दूसरे में मुंतकिल नहीं होता अल्लाह को पूरा पता है कि ये कोविड नाइनटीन की बीमारी ये कोरोना की बीमारी कहां से कहां मुंतकिल होगी किस से किस में जाएगी किसको किस हद तक मुतासर करेगी किसको किस हद तक नुकसान पहुंचाएगी? अल्लाह के इल्म में है अल्लाह जानता है और अल्लाह की पूरी हमत इसमें पोषीदा है और अल्लाह ताला जो फैसले करते हैं इंसाफ भरे वो फैसले होते हैं मोमिनों के हक़ में अगर ये गुनहगा ममिनों के हक़ में अगर ये जानलेवा बित हो तकलीफ देहित हो तो उम्मीद है अल्लाह ताली से कि ये उनके हक़ में शहादत का ज़रिया बनेगी गुनाहों के कफ़ारे का ज़रिया बनेगी वहीं पर काफिरों नाफ़रमानों अल्लाह के गुस्सा दिलाने वाले जो बंदे हैं उनके हक़ में एक अजाब का बायस बनेगी तो मजह साजीन आप अल्लाह ताला पर पूरा यक़ीन रखें अपने गुनाहों से बाज आएँ नाफ़रमानियों से बाज आएँ लौट के आएँ अल्लाह के दिन की तरफ पलट के आएं अल्लाह के दीन की तरफ तकदीर पर पूरा भरोसा रखें Allah पर यकीन रखे और यही कहें जो भी होगा वही होगा जो अल्लाह ने हमारे हक हाँ में लिखा होगा वही हमारा सरदार है वही हमारा आका है और तमाम मोमिनों को उसी पे भरोसा करना चाहिए तुम ऐसे हालात में ऐसे हालात में आप जहाँ तक हो सके जहाँ तक हो सके तीन कामों को आप बकसरत करें तीन सिफात अपने अंदर पैदा करें क़वत तोल आपके अंदर हो अल्लाह पर भरोसा आपका बहुत मजबूत हो अल्लाह पर पूरा आप यकीन रखें और दूसरा कसरत से आप दुआ करें दुआओं का अहमाम करें अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएँ मांगें। रमज़ान का महीना चल रहा है अपनी हिफाजत के लिए अपने घर वालों की हिफाजत के लिए उम्मत मुसलिमा की सलामती के लिए आप अल्लाह के सामने दस्त बदुआ हो जाए अल्लाह से कसरत से दुआएं मांगें और तीसरा यह है कि जो एहतियात के इकदाम हैं एहतियात के इकदाम आप जरूर अपनाएं उसमें कहीं कोताही ना करें उसमें कोई गलत किस्म के बयानों का गलत किस्म के गुमानों का शिकार ना बने पूरी एहतियात करें लेकिन एक बात आपको खास तौर पर रखनी है अपने दिलों में खौफ ना पालें अपने दिलों में खौफ ना पालें क्योंकि जैसा कि साइंस से साबित है कि बीमारी अपनी जगह 10 से 20 परसेंट काम करती है तो इंसान की अपनी साइकोलॉजी 80 से 70 फीसद या 70 से 80 फीसद तक या बल्कि 90 फीसद तक उसकी साइकोलॉजी उसका साथ देती है जितना वो पॉजिटिव तो। तो होगा उसकी सेहत उतना बेहतर होगी उतना ज़्यादा वो बीमारियों से महफूज रहेगा जितनी उसके अंदर नेगेटिविटी आएगी जितना वो नेगेटिव होगा उतनी ही जल्दी वो बीमार भी होगा और बीमारी उतनी ही जल्दी उसे नुकसान भी पहुंचाएगी तो खौफ अपने दिल में ना पाले जैसा कि आम तौर पर यह बात जाहिर दिखाई दे रही है कि कोरोना से ज़्यादा कोरोना का खौफ फैल रहा है कोरोना का खौफ लोगों को खाए जा रहा है तो मजा अपने दिलों से खौफ को निकालें अल्लाह पर तोल को मजबूत करें यकीन रखें कि अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा और अल्लाह ना करे कोई बीमार भी हो तो अल्लाह ताला उसको शफा देगा सेहत देगा जितना आपको यकीन होगा अल्लाह ताला उतना ही बेहतर आपके साथ मामला करेगा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म की आजमाइशों से महफूज रखे अल्लाह ताला हमें हर किस्म की पकड़ से महफूज रखे अल्लाह ताला हमें अपने दीन की तरफ लौट कराने की तौफीक नसीब फरमाए आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि अला नबीना मोहम्मद वीजमाइन वालक वरहम